सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर संस्कृत पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित संस्कृत कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार को SSP शलमाथों ने शुभारंभ किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच रॉयल उद्यान्स क्रिकेट एकेडमी और आतिफ क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल उद्यान्स की पूरी टीम 17वें ओवर में 50 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 51 रनों का पीछा करने उतरी आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने आसान से लक्ष्य को 9वें ओवर में ही एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 9 विकेट से जीत लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे SSP शलभ माथुर का स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत कर अभिवादन किया। मुख्य अतिथि द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला अफजाई किया गया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए SSP शलभ माथुर ने कहा, टू ऑनर द गेस्ट बाय पुटिंग द बैचेस। अब इस टूर्नामेंट का शुभ धन्यवाद। मैं संस्कृति स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस उपलक्ष्य में मुझे यहाँ पर बुलाया। मेरे लिए बहुत हर्ष और गौरव का विषय है। साथ ही साथ जो बच्चे जिन्होंने प्रोग्राम दिया, इतना अच्छा उनका सॉन्ग प्रिपरेशन था, मैं उनको बधाई देता हूँ, आपकी पूरी टीम फैकल्टी को बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ बहुत दिन बाद वापस आपने बैट पकड़ने का मौका दिया, तो उसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर आके मुझे यहाँ के क्रिकेट के लेजेंड्स से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारे जीवन में स्पोर्ट्स की बहुत अहमियत है।
स्पोर्ट्स सिर्फ हमारी फिजिकल फिटनेस के अलावा हमें एक टीम के साथ रहना सिखाते हैं, हमें टीम के साथ, हर टीम के अंदर कोई फॉरवर्ड भी होता है, कोई डिफेंडर भी होता है, कोई मिडफील्डर भी होता है, इसी तरह क्रिकेट में कोई कीपर है, बॉलर है, लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म है, हर जने का अपनी एक उपयोगिता होती है, हर जने की अपनी एक विशेषता होती है। और वही चीज़ जब हम लाइफ में आगे जाते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जाएंगे, सेटअप में जाएंगे, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, तो उसके साथ हम लोग कैसे टीम की भावना के साथ काम करें, साथ ही साथ निरंतर रूप से हम अपने आप को कैसे अपनी लाइफ में बेहतर करें। एक दिन आप मैच हार के आते हैं, आप एनालाइज करते हैं कि क्यों हारा, आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि जो स्पोर्ट्स फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमारे जीवन में हमारे मूल्यों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके कोचेस को बधाई देता हूँ और ईश्वर से शुभकामना और प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग यहाँ खेल रहे हैं कुछ समय बाद जाके रणजी में, नेशनल में और इंटरनेशनल लेवल पे भारत के लिए खेले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you.